पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के एक शानदार लम्हे का जश्न मना रहे हैं। भारत के खिलाफ 2021 में इनकी शानदार T20 वर्ल्ड कप फतह। लेकिन सुने, पाकिस्तान एक बार फिर 9 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप में भारत का सामना करने जा रहा है, इस बार न्यूयॉर्क में। आइए 2021 के जादू को दोबारा देखते हैं। शाहीन शाह अफरीदी दिन के हीरो थे। इनका स्पेल कुछ कम सनसनीखेज ना था। अफरीदी की बेहतरीन गेंदें हैरत और हैबत पैदा कर रही थीं। इनिंग्स की चौथी गेंद जो रोहित शर्मा ने पहली बार सामना की, देर से तेज रफ्तार में घूम गई। रोहित स्टंप्स के बिल्कुल सामने फंस गए। अफरीदी की खालिस शानदार गेंदबाजी। फिर KL राहुल की बारी थी। पहली गेंद पर इन्होंने गेंद को अपने पैड और स्टंप्स पर लगाया। भारत 6-2 पर लड़ खड़ा रहा था। फिर पाकिस्तान की बैटिंग मास्टर क्लास आई। बाबर आजम पहली गेंद से ही क्लास दिखा रहे थे। इनका बैकफुट पंच फोर के जरिए खूबसूरत था। बाबर के फुटवर्क किताबी थी। इनकी टाइमिंग बेऐब थी और इनकी जगह बेहतरीन थी। इन्होंने 60 से ज्यादा नॉट आउट के साथ मैच जीतने की राह हमवार की। इनके साथ मोहम्मद रिजवान थे, बेहतरीन साथी। रिजवान का जुरतमंद लेकिन हिसाबशुदा अंदाज भारतीय बॉलर्स को परेशान कर रहा था। रिजवान ने 55 गेंदों पर 78 रन्स बनाए। पाकिस्तान की 10 विकेटों की फतह को यकीनी बनाया। ये शराकतदारी T20 बैटिंग की मास्टर क्लास थी। विराट कोहली ने पाकिस्तान को बढ़तरी को तस्लीम करते हुए कहा, हमने अपनी बेहतरीन कोशिश की लेकिन हमें आउट क्लास कर दिया गया। पाकिस्तान को मुकम्मल क्रेडिट मिलता है। बाबर आजम फखर और एतमाद से ने कहा, ये सिर्फ आगाज है, हमारे पास अब एतमाद है। अब 2024 की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान 9 जून को न्यूयॉर्क में भारत का सामना करने जा रहा है। साबिक भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि इस मैच में बैट्समैन का किरदार गालिब होगा, खास तौर पर पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग के साथ। आकाश चोपड़ा ने निशानदेही की है कि न्यूयॉर्क की पिच के हालात पाकिस्तान के हक में हो सकते हैं। इनका मानना है कि अगर पिच में थोड़ी सी तेजी है और गेंद दोनों तरफ घूमती है तो शाहीन आफरीदी और मोहम्मद आमिर कलीदी साबित हो सकते हैं। चोपड़ा ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को अपने चारों बैट्समैन को खिलाना चाहिए। वो मानते हैं कि ये हालात पाकिस्तान के लिए मौजू हैं और मुतवक्का टोटल 125 से 160 के दरमियान होगा। ये वो मैचेस हैं जिनमें पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल होती है। ये आने वाला मैच क्रिकेट की तारीख का एक और सनसनीखेज बाब बनने वाला है पाकिस्तान की मजीद जीत के लिए। अगर आपने इस तज्जिये से लुत्फ उठाया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। अपनी होस्ट इस्मा शौकत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।